गनी गनी, उस पुलिस वाले ने करण को मार दिया। ऐसे कैसे मार दिया, क्या हुआ था? आज सुबह हम लोखंडवाला बाजार में चाय पी रहे थे, तभी करण की नज़र उन दो पुलिस वालों पर पड़ गई। तो क्या वो पुलिस वाले मुंबई में भी पहुंच गए? गनी भाई, हम वहाँ से डर के मारे भाग निकले। हमें मालूम नहीं था कि करण भाई पुलिस के हाथ में आ चुके हैं, फिर हमें मालूम पड़ा कि करण भाई तो मर चुके हैं। अरे यार, ये बहुत गलत हो गया। हाँ गनी, कल रात को करण को सपना भी आया था। मैं नशे में था इसलिए बताना भूल गया कि जब करण को सपना आता है तब उसके साथ उल्टा ही होता है। अब क्या करेंगे, हमारे धंधे के तो किंग थे करण भाई। अब अर्जुन है ना। गनी, मेरे से ये सब हैंडल नहीं होगा, तुम ही सब सोचो। रुको रुको, मैं रऊफ लाला को फोन लगा रहा हूँ। हेलो। हाँ बोलो, कौन? मैं गनी भाई। हम मुंबई आ चुके हैं और उन दो पुलिस वालों ने करण को ठोक दिया। ऐसे कैसे भाई? आपको तो मालूम है कि उन दो पुलिस वालों से पुरानी दुश्मनी है। शायद उनको पता चल गया होगा कि आज हम मुंबई में चोरी करने वाले हैं, इसलिए वो मुंबई भी पहुंच गए। उन सालों को कैसे पता चला? भाई हम आपसे रूबरू मिलना चाहते हैं, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा तब। ठीक है, मैं तुम्हें टेक्स्ट करता हूँ और पते पे आ जाओ सब। ठीक है भाई। चलो चलते। सब खबरदार, जो किसी ने हिलने की कोशिश की। छोटा कपड़े से तो गद्दा निकला, अब तो गया बेटा। अर्जुन याद है, ऐसा एक पुलिस वाला फुदक रहा था, उसको मैंने ठिकाने लगाया, आज तक उसकी लाश नहीं मिली। कल की बात करने वाला कल नहीं मरता, कल की बात करने वाला कल नहीं रहता, कल की बात करने वाला आज मरता है, और मैं तो अभी की सोचता हूँ। राठौड़, हम चोर है, धुएं की तरह गायब हो जाते हैं, और मेरे रूल्स तो कोई तोड़ भी नहीं सकता, खुद मैं भी नहीं। तेरा गुस्सा जायज है गनी, इसीलिए तेरी ऊंची आवाज बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बर्दाश्त को कमजोरी मत समझना। कमजोर नहीं साले, ना मर्द है तू। अगर थोड़ी सी भी मर्दानगी बची हो तो निहत्था लड़ मेरे साथ, फिर बताता हूँ तुझे। साले गनी, जाने दे उसको, चल। सलाम भाई। सलाम भाई। आ जाओ। सलाम भाई। आ जाओ। भाई, वो दो पुलिस वालों ने हमारा जीना आराम कर दिया है। हमारा पीछा करते हुए हमारे पास भी आ गए और हमारी सारी बातें भी सुन ली। भाई हम सब वहां से भाग निकले। लो, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। भाई हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं है, वो दो पुलिस वाले कमजोर नहीं है। गने, शिकार तो सब करते हैं, लेकिन लालच से बेहतर को शिकार नहीं कर सकता। अच्छा, उन पुलिस वालों को कैसे पता चला आज 7 जून का मुंबई में चोरी होगी? भाई करण अर्जुन ने आपको गलत बताया था, दरअसल जब करण ने मर्डर किया तब वो क्लू वहीं पे गिर गया था,
शायद उन पुलिस वालों ने उस क्लू का पता लगा लिया होगा। भाई मुझसे गलती हो गई। खामोश। ओह नो। चमेली लाकर बालों में तेल लगा दूँ जाने का गए वो तेल। जाना मत बोल, वो भी लग जाएगा। सॉरी बॉस, सॉरी। भाई से बदतमीजी, तेरे कोसली में बहुत चर्बी चढ़ रही है, मार डालूंगा। क्यों विलन है तू? विलन? देख बोल रहा हूँ मैं, मैंने मेरा तो चूड़ियां नहीं पहनी। क्यों विधवा है तू? विधवा? अबे मसल के रख दूंगा। क्यों तंबाकू है तू? तंबाकू? अबे ऐसा मारूंगा कि सब हजम हो जाएगा तेरे को। क्यों हजमोला है तू? हजमोला? अबे तेरी तो उसकी बीवी चमेली एक हादसे में मर गई थी, इसीलिए टाइगर को भूलने की बीमारी लग गई है। इधर आ। खामोश बोलने से वो भूल जाता है। चलो काम की बात करें। भाई चोरी? एलिफंडा की गुफा में चोरी होगी आज दोपहर 3 बजे। उन पुलिस वालों को पता भी नहीं चलेगा और चोरी हो जाएगी। सालों को टाइमिंग का कुछ पता ही नहीं है। भाई चोरी कैसे करनी है? वो चोरी का प्लान मैं तुझे टेक्स्ट मैसेज कर दूंगा। ठीक है भाई, वो पुलिस वाले बहुत खतरनाक है। खामोश। संदीप जी बारातियों का स्वागत पान मसाले से कीजिएगा। खामोश। चोरी हो चोरी। अर्जुन तू जा, छोटा का बेटा इलाज करवा। ठीक है भाई। सुन गनी, किसी को पता तो नहीं चला ना कि तू मेरा छोटा भाई है? नहीं भैया। तू वो 3 करोड़ का डायमंड लेके मेरे पास आ जाना, उससे क्या होगा, छोटा खबरी और अर्जुन बंडे दोनों पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो जाएंगे, उससे पुलिस का प्रमोशन भी हो जाएगा और हम दोनों भाई 3 करोड़ के मालिक भी बन जाएंगे। ठीक है भैया, मैं निकलता हूँ।